दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुट्टा के माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सीनियर की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। हाँ, मैं डोरीमोन से बात करूँगा। पर मुझे यकीन है कि डोरीमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो मजाक मत करो, मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओ अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो, अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार है। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ, मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह ओह ढेर सारी मछलियाँ हैं। वाह, तुमने देखा डैड कितने खुश हैं? हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओ हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। ओ अच्छा, किस तरह की? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं, स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है, और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं, और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है।
सच में कहाँ पर है? मुझे देखना है। नो बिता लो क्यों मैं उसे बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ। आकामत्सु माउंटेन। यहाँ तुम्हें मशरूम्स मिलेंगे। ये। अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीच बिखेरने होंगे इस तरह, और फिर हमारे स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है, मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगे? थोड़ा सा सब्र करो, ये देखो। सब तैयार है नोबिता, अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम्स उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिज़ुका और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। नोबिता, मैं सच कह रहा हूँ, आओ तुम खुद ही देख लो। ओह, अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चलता रही हूँ, धीरे चलो। हे नोबिता शिज़ुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता, मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिज़ुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिज़ुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेले रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रोकेट्स। थैंक यू मैडम, आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ? हाँ, 8,000 रुपए। ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ क्यों नहीं, ये है तो बहुत ही सस्ते, पर मैंने किसी और दिन खरीदना चाहूँगी। चलती हूँ। वाह देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला, यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं, पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रहीं तो। अरे शिज़ुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं? अरे ये क्या, ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। अरे वाह मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच छोड़ो ना यार, खाने भी दो। ये अभी तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो।
चलो वापस चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। चलो ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है, इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौककर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं, दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो। हाँ, हाय जियान, हाय शिजुका, तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ? मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटाके माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ? यकीन नहीं होता, मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है, अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊँगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ अच्छा आइडिया है, हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो, ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये मशरूम और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल।